इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं, मुझे बहुत भली भांति पता है गढ़वाल सभा का, क्योंकि मैं इनके कार्यक्रमों में जाता रहता हूं। ये इतने ताकतवर लोग हैं गढ़वाल सभा के, हमें भी बड़ी हैरानी होती है। ये वर्तमान प्रधान गढ़वाल सभा के कुमार सिंह रावल जी उपस्थित लिखते हैं। कौशिक जी आप भी आइए सर, आपका भी बड़ा योगदान है, स्वागत कर लीजिएगा।
सेवा तो सभी है जी। बिना तो प्रोग्राम अधूरा है, थोड़ा आपका भी आइए, आप भी हमारे मनीष सीखो स्वागत करिए आपका बिल्कुल। आलम बिहार में रहते हैं, बड़ा हमसे जुड़े हुए हैं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। और मैं नमो नमस्ते प्रभाय सुवेदाराय। आज गढ़वाल सभा के द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवद गीता का जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए मुझे यहाँ आने का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है और ये बहुत ही भव्य आयोजन हमारी गढ़वाल सभा के द्वारा किया गया है। और आप जैसा कि देख सकते हैं आज के कार्यक्रम में किस प्रकार से हमारी माता और बहनों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे पहुँच कर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। देखिए गढ़वाल सभा से प्रेरित होकर और जो कार्यक्रम उन्होंने किया है, मैं कहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हमारे समाज में एक जागरूकता फैलती है जो कि हमारे संस्कार और संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ये संस्कार आगे बढ़े उसके लिए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करने की आवश्यकता है, जो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारी गढ़वाल सभा द्वारा किया गया और हमें समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेके इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। मैं मौजूद हूँ रवि नगर गली नंबर 5 में सारनाथ मंदिर में, जहाँ बहुत ही सुंदर गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। आज उनका कलश यात्रा निकला है, बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य। और हमारे साथ मौजूद हैं परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुमित शास्त्री जी, जो कथावाचक हैं, वो वृंदावन से पधारे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये गीता ज्ञान यज्ञ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कथा मंडप में पहुँचे और आपने हमारी शोभा यात्रा में और भी जो है हमें प्रफुल्लित कर दिया। हम जो है आपके आभारी रहेंगे हमेशा। और हमारे रविनगर के हो और दूर दूर से लक्ष्मण बिहार अशोक बिहार से हमारी माताएं पहले पहुँची हैं और ये जहाँ भी हम कथा करते हैं एक बार कहने से ही ये दौड़ के चले आते हैं। ऐसा ही भगवत कथा में होना चाहिए क्योंकि यही भाव निस्वार्थ भाव है, क्योंकि हर इंसान कहते हैं कि स्वार्थी है लेकिन हमें नहीं लगता कोई स्वार्थी है। जब भगवान के प्रति ऐसे आस्थावान लोग होते हैं तो वहाँ कथा में बड़ा आनंद आ जाता है, क्योंकि सबके सब निस्वार्थ भाव से और इतनी गर्मी में जो है पैदल चले हैं, वो शोभा यात्रा जो है दर्शनीय रही है। ऐसा लगा कि महादेव की आज साक्षात कृपा हम सब पर हुई हो। तो मैं सब अपनी बहनों का अपनी माताओं का हार्दिक दिल से सबका अभिनंदन और उनको जो है प्रणाम करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर आप जो न्यूज वाले प्रेस से आए हैं आपका भी जो है बहुत बहुत आभार। ये इसका जो समय है 2 बजे से और हर इच्छा तक ये रहे, मानो 6-7 अगर बज जाते हैं ये हर इच्छा तक रहे, क्योंकि हम शुरू तो कर सकते हैं लेकिन प्रभु कब विराम दे। जो भगवान की कथा तो कहना कभी ना ख़त्म होने वाली कथा होती है, तो इसलिए भगवान जब हमें आज्ञा दे तब हम विराम ले लेंगे और समय के अनुसार इस कथा को विराम देंगे। और ये कथा सप्तम दिवस चलेगी, 28 तारीख को ये कथा पूर्ण और 29 तारीख को जो सोमवार आएगा अगला उसमें जो है विशाल भंडारा होगा। इसको शुभ प्रकट हुए हैं,
ये महादेव का ही महीना है। भगवान को दो महीने अति प्रिय हैं, एक सावन और एक माघ का महीना। तो ये महा विशेष हो जाता है और हमारा ये जो मंदिर है वो भी जो है बद्री केदारनाथ नाम से है। तो साक्षात हमें लगता है कि हमें वहाँ के दर्शन यही मिल जाते हैं, वहाँ का सौभाग्य हमें यही मिलता है। ये कहना चाहे कि किसी तरह उत्साह बनाए रखें और अगर ये भक्त लोग रहे तब उसके बाद भगवान, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हम सब जो रविनगर वासी उनके लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है जो हमें 7 दिन के लिए सुनने के लिए मिलेगी और बहुत पुण्य का काम है और हम सब की, क्योंकि आजकल बच्चे हमारे भूल चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो हम जब ये भागवत होती है हम यहाँ से सुनती जाएंगे और सारी लोग औरतें सुनती जाएंगी, तो जाहिर सी बात अपने घर में बातें करती है कि देखो आज हमने ये कथा सुनी थी। तो बच्चों के अगर थोड़ी सी भी काम में जाती है तो हमारे घर का कहीं ना कहीं वातावरण बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा लगा, हम हमारे नगर वासियों को बहुत सौभाग्य जो गढ़वाल सभा का ये मंदिर भव्य मंदिर में भागवत कथा चलती रहती है। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लगा। मुकुट मकान देवेंद्र रोहता गढ़वाल सभा का, और आज हमारे पंडित जी के द्वारा जो यहाँ पर भगवत कथा का आयोजन किया गया है बड़ा अच्छा सुंदर, और आज उत्तराखंड की सबसे पुरानी गढ़वाल सभा हमारी है। आज इसको लगभग 54-55 साल पूरे हो चुके हैं। हम साल में करती है एक्टिविटीज करते रहते हैं जिससे हमारा समाज और हमारे लोग आपस में मिलना जुलना और एक दूसरे का भाईचारा, केवल अपनी कल्चर को संस्कृति को भाईचारा एक दूसरे को मेल मिलाप रहे और अपने आपस से व्यवहार बना रहे लोगों का, सुख दुख में एक दूसरे की मदद करें और अपने कल्चर का प्रचार करें। मेरा नाम भगवती प्रसाद है और मैं अभी 89 से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी है सब उसके संस्कार और उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ लगे रहें। जो भी आदमी अपनी आहुति डालेगा चाहे तन से मन से या धन से, जो भी आदमी अपनी आहुति देगा उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और फिर ये पुण्य सावन के महीने में हो रहा है, इससे उत्तम बात तो कोई हो नहीं सकती। वर्तमान प्रधान गढ़वाल सभा का, और मैं तो अमित पंडित जी जो है शास्त्री जी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई, इन्होंने जो ये भगवत कथा का आयोजन का फोन रखा है। हमने मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले यहाँ पे किया था भगवत कथा, तो 8-10 साल बाद में अभी सुमित शास्त्री जी को मौका मिला है। मेरा नाम नीलेश नीति है, मैं गुड़गांव से सदस्य हूँ और आज के हम मुख्य यजमान हैं पंडित जी द्वारा भगवत निमित्त। ये सेक्टर 9 में है और ये 28 तारीख तक हमारा कथा चलेगी और 29 को भंडारा है हवन के साथ। जैसा कि हमारे पुराणों में बताया गया है और हमारे बड़ों ने बताया है, भागवत का पाठ जो है अपने आप में एक अलौकिक है और इसकी प्रेरणा पंडित जी से मिलती है और ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ कार्य है। जहाँ भी होता है माना जाता है वहाँ पे साक्षात प्रभु की चरण आह्वान होता है।